जो नगर पालिका होने वाले आगामी, इसमें कितनी सीटें निकालने का आप दावा कर रहे हैं? हम लोग तो 100% सीटें निकालेंगे, 25 सीटें जीतेंगे। इस चुनावी क्या क्या मुद्दे लेकर आप इस चुनाव में लड़ना? मुद्दे ये हैं कि अगर हमारा वार्ड बनेगा, चेयरमैन बनेगा, पूरी तरह से विकास के कार्य जो ठप है, बंद पड़े हुए हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है पिछली बार, सभी चीजों से जनता को निजात मिलेगी और जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या जो भी विकास के कार्य हैं वो हम सब मिलजुल के करेंगे। मैं भी इनके साथ मिलकर जो भी केंद्र सरकार की जो भी काम है ये मुझे बताएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि वहां से हम लोग प्राथमिकता से करें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं, मैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रही थी, उसमें भी सड़कें आई हैं ठीक है, लेकिन उसका शिलान्यास हो नहीं रहा है। किसी न किसी वजह से यहाँ के जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम को होने नहीं दे रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना रहे। तो मैं काम भी लेके आती हूँ, विकास का काम भी होता है, उसके बाद वो जमीन पे कैसे उतरेगा अगर यहाँ के प्रतिनिधि उस चीज को मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके, अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं करवाने देंगे, उसे कैसे? मैम, यहाँ चंबल का पानी नहीं आता है, अगर कागजों में ही फंस जाता है, तो आप भी पैदल मार्च करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे, और मैंने किया भी है प्रयास, मुझे चिट्ठी भी आई है अधिकारियों की, जब ये होटलों में बंद थे उस समय मैंने पूरी तरह से प्रयास करके अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी थी कि ये पानी आना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था, और मैं तो प्रयास करूंगी, सरकार चाहे किसी की भी हो, काम तो जनता का है ना, काम मेरा पर्सनल तो है नहीं ना, उनका पर्सनल काम है, तो हम सबको मिलके काम करना चाहिए, तभी जाके जनता का काम पूरी तरह से हो सकता है। अगर हम हर चीज में पॉलिटिक्स करेंगे तो ऐसे कोई आगे नहीं जा सकता। मैम, यहाँ की जनता ब्रॉडगेज का सपना देखेगी बैठने का, यह कागजों में फंस कर रह जाएगा? देखिए, ब्रॉडगेज का जो है मामला, उसमें बहुत सारे कारण है, किसी वजह से जिन जो वजह है वो पिछली बार ही हो जाता है, लेकिन वो फॉरेस्ट के दो तीन अड़ंग के बीच में है, फॉरेस्ट सेंचुरी भी आती है, तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की वजह से वो काम पेंडिंग है और रुका हुआ है। कोशिश करूंगी कि बिल्कुल जल्द से जल्द वो काम भी शुरू। यहाँ के युवा का एक प्रमुख सवाल है कि यहाँ के युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, विशेष रूप से बाहर जाना पड़ता है, चाहे एजुकेशन की बात की जाए, टेक्निकल की बात की जाए, तो क्या ऐसा आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास से क्या कुछ करवाना चाहेंगे? जी बिल्कुल कराऊंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई भी इस तरह का अगर प्रपोजल है तो उसको मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि वो जल्द से जल्द सैंक्शन हो। वैसे स्टेट गवर्नमेंट से तो मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं है कि वो युवाओं के लिए कुछ करेंगी, उन्होंने तो वादा किया था 3,500 युवा भत्ता देंगे, उसको 1 रुपया नहीं आया। बार बार रिको के बात की जाती है कि रिको इनके प्रयास से हुआ है, पर लेकिन पूर्व विधायक द्वारा कहा जा रहा है कि 2008 में इनके प्रयास से सेंसर हुआ है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर आपके पूर्व विधायक भी उपस्थित है और उन्होंने उस समय उसको करवा दिया था। बस कई बार क्या होता है कि जब किसी का कार्यकाल होता है उसी समय कोई चीज सैंक्शन तो हो जाती है, पर धरातल पे उतरने के लिए समय लगता है, और बीच में क्या आचार संहिता लग जाती है, तो फिर इस वजह से काम रुक जाता है, और एक्चुअली जब काम होता है सड़क पे, जमीन पे, तब कोई और गवर्नमेंट आ जाती है और वो उसका श्रेय ले लेती है, तो यही हुआ है इसके। और अंतिम सवाल, यहाँ कहा जा रहा है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़े, आलोचना नहीं की जाए, आलोचना के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाए? बिल्कुल, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास किया, हमको भी बता दे, जनता को बता दे, मैंने भी बता दिया जो विकास हुआ, जब अभी शिलान्यास हुआ है ब्यावर कुंती का, जो सबसे बड़ी डिमांड थी जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, वो काम भी शुरू हो गया है, अब इससे ज्यादा वो क्या चाहते हैं? और चंबल वाला जो मुद्दा मेरे सामने रखा था उसमें भी मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, बाकी भी जितने काम है वो मैं पूरी प्राथमिकता से कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ से कोई चीज लेके आती हूँ उसको आप शुरू नहीं होने देते, ये उनकी तरफ से ये भी गलत है, उनको साथ मिलकर इन चीजों को चलते रहना चाहिए, और मैं तो विकास ही करना चाहती हूँ, मैं तो कह रही हूँ चलिए आप भी आइए कार्यक्रम में, बड़ा दिल रखिए, हम सबको बड़े दिल से काम करना है, जनता के हित के लिए काम करना है।